इंदौर में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब वो महिलाओं से वीआईपी इलाकों में भी वारदात करने से नहीं घबराते हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार रात देखने को मिला, जब बाइक सवार दो बदमाशों ने विजयनगर क्षेत्र में एक युवती को अपना निशाना बनाया और उसकी चेन छीनकर भाग निकले। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के लोटस से रसूम जैसा वीआईपी क्षेत्र का है, जहां रात 9 बजे घर जा रही एक युवती को बाइक पर आए बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। जब युवती अपने घर जा रही थी, तभी बाइक पर आए बदमाशों ने उसे धक्का दे दिया और उसके सोने की चेन लूटकर भाग निकले। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। हाँ, अभी अंडर डायल पे एक पॉइंट मिला था जिसमें पता था कि लोटस से रसोमा के बीच में कोई एक्टिवा से युवती जा रही थी, उसके कोई ने उससे चलते में से चेन स्नेचिंग की है। उसके लिए फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं और पूरी उसकी तस्दीक कर रहे हैं। आरोपी के हाँ, दो लोग थे बाइक पे, उनकी जांच की जा रही है। नहीं, अभी इस संबंध में वो फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं, उससे जब बिल वगैरह लेंगे तो उससे पता चलेगा। सर, नाम आया? नहीं, अभी उनसे जब बात होगी तब नाम वगैरह पता चलेगा। अभी टीम गई हुई है, जैसे ही आती है बताते हैं आपको। बहरहाल मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।